रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। दिल्ली और नोएडा में भारी बारिश देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर दिल्ली और नोएडा में बारिश, एनसीआर के कई इलाकों में बारिश और मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इस पूरे हफ्ते बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। नोएडा गाजियाबाद में उफान पर हिंडन और बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है। जगह जगह से लोगों को आने जाने में, यातायात में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दिल्ली नोएडा में लगातार बारिश हो रही है, एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं यातायात पूरी तरह से बाधित है। बारिश होने के बाद सड़कों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है। नोएडा गाजियाबाद में हिंडन नदी उफान पर है। दिल्ली के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली और नोएडा की सड़कों पर जलभराव की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि इस पूरे हफ्ते बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। नोएडा गाजियाबाद में उफान पर है हिंडन नदी और बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा और दिल्ली में बारिश हो रही है, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। ये तस्वीरें देखिए जहां बारिश के बाद जलभराव की ये तस्वीरें, एनसीआर के कई ये सेक्टर 63 नोएडा के थाना के बाहर की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं थाना के बाहर ये स्थिति है जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। नोएडा गाजियाबाद में हिंडन नदी उफान पर है और बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है। जगह जगह से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए थाना के बाहर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर थाने के बाहर सेक्टर 63 नोएडा के थाने के बाहर की ये तस्वीर है जहां बारिश होने के बाद जलभराव की ये तस्वीरें सामने आ रही है। सड़कों पर भी जलभराव किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जिसकी वजह से लोगों का आवाजाही पूरी तरह से बाधित होता नजर आ रहा है। नोएडा और गाजियाबाद में उफान पर है हिंडन नदी और बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की ये तस्वीरें सामने आ रही है। नोएडा सेक्टर 63 के थाने के बाहर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर जलभराव की परेशानी देखने को मिल रही है। दिल्ली और नोएडा में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है और कहा गया है कि ये इस पूरे हफ्ते बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुँचवा रहे हैं जहाँ पर दिल्ली और नोएडा में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता। विनायक, जगह जगह पर जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही है, दिल्ली और नोएडा में लगातार बारिश हो रही है, क्या कुछ पूरा अपडेट? विनायक एक बार क्वेश्चन दोबारा लिखिए। विनायक आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज। लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही है, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी? लगातार जो है दिल्ली एनसीआर के समय अगर बात करी जाए गौतम बुद्ध नगर में तो सुबह से ही अलग अलग जगहों इलाकों में बारिश हो रही है और रुक रुक करके ये बारिश हो रही है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करी जाए तो नोएडा का सेक्टर 63 थाना क्षेत्र है और 86 के पास में लगातार बारिशें हो रही हैं जिसके कारण जो 63 का जो थाना है वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न है। वहाँ पर जितनी भी सड़कें हैं वो वहाँ पर जलभराव की स्थिति है जिसके कारण काफ़ी लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। हालांकि वहाँ पर अगर बारिश के कारण जो बारिश होती है तो वहाँ पर जलभराव की स्थिति होती है जिसके कारण जो वाहन है वो काफ़ी धीरे गति से निकल रहे हैं जिसके कारण जाम देखने को मिल रहा है। हालांकि वहाँ पर ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया जिससे कि जल्द से जल्द वहाँ से ट्रैफिक को निकाला जा सके। हालांकि अगर बात करी जाए तो बारिश के कारण जो है लगातार यमुना का स्तर और हिल्टन का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण वहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। काफी ज्यादा जो वहाँ के घर जो है वो पानी के अंदर ठीक में डूबते जा रहे हैं। ठीक है, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं, सेक्टर 63 थाने के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।